पिछले दिनों जो सीज फायर और घुसपैठ की घटनाएं हुई है उससे एक बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान अपनी सेना के नेतृत्व में लश्कर जैसे आतंकी संगठन मिलजुल कर घुसपैठ और गोलीबारी की साजिश रच रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान उन नापाक मुल्कों में शुमार होता है जिसने हमेशा आतंकवाद को शह दिया है। सिर्फ इस साल पाकिस्तान का 136 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, जो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान की सत्ता संभालने के बाद से घुसपैठ के मामले तेजी से बढ़े हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधरेगा। भारत को ही इन भविष्य के खतरों से निपटने के लिए कुछ करना होगा। हमारे सूत्रों से पता चलता है कि भारत गुपचुप तरीके से 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल आइकन बना रहा है। दोस्तों, हम इस चैनल में रोज नई किसी न किसी रोचक जानकारी को लेकर वीडियो डालते रहते हैं। आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा इस चैनल का फायदा हो सके। दोस्तों, ये जो नया हथियार है इसका नाम है सूर्य। अभी तक सिर्फ फ्रांस, अमेरिका, यूके, रूस, चीन, इजराइल के पास है ये हथियार, जो कि दुनिया के किसी भी कोने में टारगेट कर सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को कभी स्वीकारा नहीं गया कि वो मिसाइल सूर्य ही है, लेकिन आने वाली अग्नि 6 पर कयास लग रहे हैं कि ये वही मिसाइल है जिसे लंबे समय से सूर्य कहा जा रहा है। अगर इस बात में जरा भी हकीकत है तो भारतीय सेना के पास जल्द ही एक ऐसी मिसाइल होगी जो दुनिया के किसी भी कोने में मार्च कर सकेगी। DRDO इसकी लंबे समय से तैयारी कर रहा था। अप्रैल 2012 में ही भारत ने 5,000 किलोमीटर तक मार्च करने वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। क्या होगी इसकी खासियत? सूत्रों की माने तो अग्नि 6-8,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार्च करने में सक्षम होगी। इसमें एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार लगे होंगे। अग्नि 6 एक साथ 4 से 6 हथियार ले जाने में सक्षम होगी, यानी ये एक साथ कई निशाने लगा सकेगी। DRDO अब तक अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 का विकास कर चुका है, लेकिन ये मिसाइलें सिर्फ एक ही हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस भी एक बार में एक ही हथियार ले जा सकती है, लेकिन अग्नि 6 एक साथ कई हथियार ले जा सकेगी और कई निशाने लगा सकेगी। DRDO ने इससे जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मिसाइल का डिजाइन तैयार है और इसके इंजीनियरिंग के हिस्सों पर काम चल रहा है। वैज्ञानिकों ने तय कर लिया है कि किस तरह मिसाइल में 4 से 6 हथियार फिट किए जाएंगे। इसका वजन 70 टन, लंबाई 20 मीटर होगी, जहां अग्नि 5 का वजन 50 टन और लंबाई 17.5 मीटर थी, वहीं अग्नि 6 का वजन 70 टन और लंबाई 20 मीटर होगी। अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों में 3 हिस्से हैं। इसके अलावा ठोस प्रोपेलेंट्स और इसका व्यास 2 मीटर है। इसको मोबाइल ट्रक और जमीन दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी ये नहीं बताया है कि इसका परीक्षण कब होगा। अब तक भारत ने किसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है। अग्नि 5,000 किलोमीटर तक ही मार्च कर सकती है, लेकिन पहली बार इससे करीब दोगुनी दूरी तक मार्च कर सकने वाली मिसाइल सूर्य के विकास पर काम हो रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत को विरोध का सामना भी करनी पड़ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुए परमाणु परीक्षण के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत के विरोध का सामना करना पड़ा था और देश पर पाबंदी भी लगी थी, लेकिन भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सफलता के साथ आगे बढ़ाना जारी रखा। अग्नि 6 उसकी कड़ी का हिस्सा है। दोस्तों, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करो। हम इस चैनल पर रोज कुछ रोचक जानकारी लेके वीडियो डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।